सभापति महोदय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार से उस विषय पे तो नहीं जाना चाहता, कहने को तो कुछ और चाह रहा था मैं, वो बात को मैं नहीं कहूँगा कि चेयर का आदेश हमारे सर्वोपर है। महोदय, सप्लीमेंट ग्रांट्स पर 1997-98 के इस बजट पर मैं अपनी बात कहने को खड़ा हुआ हूँ। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि आपकी व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ। इस देश के अंदर रेलवे मंत्रालय में आपकी जो छवि है, समूचा देश में प्रतिपक्ष में होते हुए भी आपने ऐसे गरीबों को, जिन गरीबों को बरसों बरसों से कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं था, उनको आपने न्याय दिया। जिसमें रेल मंत्रालय में जिस दिन से आप आए, चौमुखी विकास किया आपने देश भर में, पर हम जैसे कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मेंबर 89 से, मंत्री महोदय बड़ी विटंबना इस बात की है, आपका सम्मान करते हुए भी मुझे विरोध करना पड़ रहा है कि 89 से जब आपकी गवर्नमेंट थी, जनता दल की गवर्नमेंट थी, माननीय प्रधानमंत्री हमारे बीपी सिंह थे, उस वक्त से रेल मंत्री अजय सिंह थे, उसका आगरा टू फतेहाबाद बाया जयपुर बाह उदीम और इटावा को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन का सर्वे कराया गया था। उस रेलवे लाइन के लिए मैं 91 से लेके और आपके मंत्रालय के, चाहे हमारे जाजपुर शरीफ रहे उसमें रेल मंत्री, और आप जिस दिन से आए इस रेल मंत्रालय के चक्कर लगाते लगाते मैंने दो जूड़े जूते चप्पल फट गए मेरे। मेरे मित्र, इस बात की तकलीफ है कि आखिर ये चेहरा देख के तमाचा मारते हैं आप, चेहरा देख के कि कितना सुंदर चेहरा, उतनी तरीके से चाटा मारेंगे, अगर कोई मेरे जैसा चेहरा उसमें जबरदस्त चाटा मारेंगे, ये क्या तरीका आपका, मैं समझ नहीं पाया। आखिर आप जैसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति अगर भैया भक्ति की बात देखता है, माननीय रेल मंत्री महोदय, मैं सब प्रार्थना करना चाहता हूँ, रक्षा मंत्री जो मैनपुरी को आपने लाइन दी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पर मेरे मित्र, वही मेरी विडंबना सन 1989 से चल रही, और मैंने पूरे भरकस पूर्व में, आपको ध्यान होगा, इसी बजट में, इसी हाउस में 5:45 बजे तक, शाम को 7 बजे से लेकर 5:45 बजे सवेरे में बोला था, और आपने इस बात को मुझे एश्योरेंस भी दिया था और कहा भी था कि कटेरिया जी, आपकी बात को ध्यान में रखा जाएगा। मेरे मित्र, ये आपकी सप्लीमेंट ग्रांट्स आई, मैं समझता था इसमें जुड़ जाएगा। महोदय, मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की है, आपके संबंधित अधिकारी, मैं अभी सप्ताह भर पहले आपके मंत्रालय में गया और 4:20 घंटा में भूख हड़ताल धरने पर बैठा। मैं धरने पर बैठने के बाद में मेरे मित्र कुलिक कल्पनाथ हमारे मेंबर पार्लियामेंट में पहुंचे, उन्होंने मुझे उठाए, आपके संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। मेरे मित्र, इससे ज्यादा भी अपमान हुआ, मैं उनका अपमान की बात इस हाउस में नहीं करना चाहता हूं। आपके आईएएस अधिकारी, मेरे दो बार मेरे सर पे हाथ रखा गया कि आपका सप्लीमेंट ग्रांट्स में आपका नाम आएगा इस रेलवे लाइन के जरूर, पर मित्र बड़ी तकलीफ है, अगर हम लोगों को क्या सताओगे, हम तो सदियों से सताए हुए हैं। मेरे मित्र, कम से कम ध्यान रहना चाहिए कि जो भी मेंबर पार्लियामेंट है उनमें कोई सुर्खा पेपर नहीं लगे, नेताओं के भी ध्यान में रखिए, पर कुछ छोटे छोटे गरीब जो हमारे मेंबर पीछे चुन के आए, ये भी जनता का प्यार और आशीर्वाद लेने आए। प्रभुदयाल कटेरिया व्यक्तिगत रूप से अपने रेल मिलाने अपने घर में बनवाना चाहता है, मत बनाइए, जनता के लिए कम से सोचिए। टोटल बैकवर्ड एरिया है पूरा, पूरा चंबल और जमुना के बीच में जो ब्रिटिश हुकूमत में रेलवे लाइन थी कंप्लीट, आज भी महोदय अगर उसका सर्वे कराया, दो बार आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्वे कराया रेल मंत्रालय ने, और लाखों रुपया उसके ऊपर बर्बाद किया। मेरे मित्र, आखिर क्या ऐसी बात थी, हम लोग छोटे मेंबर हैं तो ऐसी बात नहीं, अपनी बात कहने में तो हम जनता के लिए कह रहे हैं, और आप पब्लिक सर्वेंट है तो जनता के लिए कह रहे हैं। इसलिए अनुरोध करता हूं मंत्री महोदय, आउट ऑफ लिमिट विटंबना, आज के अलावा आप हम जो कहते हैं 100 वर्ष आप इस रेल मंत्रालय में रहे, पर मित्र बड़ी कुंठा है मेरी, कुंठा से आप जब बात को पहचान रहे होंगे कि एक मेंबर पार्लियामेंट के सर पर दो बार हाथ रखने के बाद कितनी बड़ी तकलीफ मुझे हुई है उस रेल बनाने का, अभी तक आपने उसमें नहीं दिया। चुके हैं कौन रेलवे लाइन बोले हैं उसका नाम ही नहीं लिए हैं, मैंने ले दिया, आप देखिए, आप उस रेलवे लाइन माननीय मंत्री महोदय देखिए सुनिए, आप उठा के ले डिबेट देख लिए, वही तो मैं कहता हूं ना कि 10 मिनट में उस रेलवे लाइन कौन रेलवे लाइन, देखिए डिमांड आप देख लिए, उन डिबेट में आ गया मेरा नाम, आगरा टू फतेहाबाद बाया जयपुर उदी मोड़ बाया इटावा होते हुए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों को लाइनों को जोड़ती है, आपको पता है, आपको तो बरसों से इस बात को पता है, इस डिबेट में आ चुकी है। इसलिए महोदय भाषण नहीं दूंगा, मैं वैसे भी परेशान हूं, 2-3 बातों के ऊपर और ध्यान आकर्षण आपका करना चाहता हूं। सुकाबाद ओवरब्रिज की लोकसभा के अंदर बीसियों दफा मांग उठी है, सुकाबाद फिरोजाबाद के पास रेलवे का इतना बड़ा पाप हमने झेला है, मंत्री महोदय आपको ध्यान होगा वो लाशें सर पे हमने ढोई है, जहां इतना बड़ा एक्सीडेंट फिरोजाबाद में हुआ था, सब कुछ मैंने देखा है आपका, सब भार मैंने झेला, हमारी सेवकी संस्थाओं ने उसमें झेला, पर महोदय फिरोजाबाद के लिए आपने दिया कुछ नहीं।
इतना आपने देखा भीषण कांड हुआ था, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा कांड आता है रेलवे घटना दुर्घटना नहीं होगी। जो फिरोजाबाद की वो हमने पीड़ा झेली, पर आपके रेल मंत्रालय ने अभी तक ये भी नहीं कहा कि एक काम फिरोजाबाद को हम दे रहे हैं। मित्र वही रेलवे फाटक ओवरब्रिज की मैं सुखाबाद में मांग करते चला रहा हूं दसियों बार। दूसरा मेरे आगरा के निकट मेरे मित्र आपसे अनुरोध करें, मंत्री जी को सुन लेने दिए कि हमने लोगों को कभी कभी तो मौका मिलता है, आगरा के निकट जो दिल्ली टू मुंबई के लिए जो रोड जाता हाईवे रोड, उस पर घंटों जाम लगा रहता, कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, उस पर भी हम एक रेलवे ओवरब्रिज की मांग करते हैं। महोदय फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन, मैं समझता हूं फिरोजाबाद एक ऐसी ऐतिहासिक नगरी है महोदय, सारे हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी चूड़ी और ग्लासेस के नाम से ये सारा प्रोडक्शन फिरोजाबाद ही करता है, सारे हिंदुस्तान का व्यापारी फिरोजाबाद में आता है। महोदय रेलवे स्टेशन की हालत देखोगे तो बदस्तर से बदस्तर हो रही है। तीन बार आपके अधिकारियों ने आपने आश्वासन दिया कि साहब रेलवे के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा दिया जाएगा, रेलवे कंप्यूटराइज पहले बजट में पूरा बजट हुआ था उसमें भी आपने आश्वासन दिया कि कंप्यूटराइज व्यवस्था फिरोजाबाद में कर दी जाएगी, महोदय अभी तक नहीं हुई। फिरोजाबाद एक ट्रेन के लिए, ये पूर्वांचल के लिए फिरोजाबाद से बहुत बड़ा व्यापारी हमारे सारे समूचे देश में आता है, पूरी साइड उड़ीसा के साइड हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, इसलिए आपसे करवट प्रार्थना है कि फिरोजाबाद में एक नीलांचल एक्सप्रेस का आप स्टॉपेज करा दें तो मैं बहुत बहुत आभारी आपका रहूंगा। महोदय आगरा जो है, क्योंकि मेरा सेंट्रल प्लेस आगरा है, आगरा पर्यटक की दृष्टि से समूचे भारतवर्ष में सारे विश्व का पर्यटक आता है, आगरा में जो भी गाड़ी निकलती है उसका ठहराव आगरा में कराया जाए। दूसरा एक टुंडला भी एक ऐसी स्टेशन है, उन पर भी गाड़ियों का ठहराव अधिक से अधिक कराया। बामी कुई वाली जो हमारे मित्र ने जोशी जी ने जो कहा था उसमें आपने प्राइवेट को दे दिया है, मैं चाहता हूं कि रेल मंत्रालय इसको काम करे, मेरी आपसे ये प्रार्थना है। डीआरएम कार्यालय आगरा में रहना बहुत जरूरी है, इसलिए महोदय उस कार्यालय की व्यवस्था शीघ्र अतिशीघ्र कराई जाए। और लास्ट में मेरी प्रार्थना आपसे यह है कि महोदय इतनी बड़ी दुख भरी बात सुन के कम से कम परमात्मा भी पिघल जाता, मैं समझता हूं अगर आप नहीं पिघले तो मैं समझ पत्र की संज्ञा मैं दूंगा आपको। महोदय मेरी तो पीड़ा है, मैंने आपके सामने रख दी, अत्यंत भाषण देकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। बस इतना तो ध्यान में रखिए कि एक मेंबर 89 से अभी तक चक्कर लगा रहा 91 से, सर्वे तो कराई दो। महोदय बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको। थैंक यू।